ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हमीरपुर इकाई द्वारा विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ कॉलेज गेट पर धरना प्रदर्शन किया गया। उनका आरोप है कि कई विद्यार्थी अपनी थ्योरी में तो पास हो चुके हैं, लेकिन उन्हें इंटरनल असेसमेंट में कम मार्क्स देकर उन्हें फेल कर दिया गया। तो विद्यार्थी परिषद अब इंटरनल असेसमेंट रिवाइज करने की मांग करता है। साथ ही उन्होंने विश्वविद्यालय को चेतावनी भी दी है कि अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो आंदोलन उग्र किया जाएगा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हमीरपुर इकाई द्वारा विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया गया। कॉलेज गेट पर प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने के आरोप लगाए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने पहले ही परिणाम इतने देरी से निकाले और जो विद्यार्थी फेल हुए हैं उनको प्रशासन ने बीच मझधार में फंसा दिया है। अब ना वो प्रथम वर्ष में एडमिशन ले पा रहे हैं और ना ही दूसरे वर्ष की अपनी कक्षाएं लगा पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कई विद्यार्थी अपने थ्योरी में तो पास हैं पर उनके इंटरनल असेसमेंट में एक या दो नंबर से फेल किया गया है। तो विद्यार्थी परिषद इंटरनल असेसमेंट रिवाइज करने की मांग कर रहा है। विद्यार्थी परिषद प्रशासन को चेतावनी भी देता है कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं की गई तो विद्यार्थी परिषद और उग्र आंदोलन करेगा। मैं विश्वविद्यालय प्रशासन से पूछना चाहता हूँ, ये कैसी शिक्षा नीति है कि पहले तो उन्होंने फर्स्ट ईयर के बच्चों को बिना रिजल्ट आए हुए सेकंड ईयर में प्रवेश दे दिया और अब जाके इतनी देरी के बाद उनका रिजल्ट आया तो अब इस प्रकार उन्हें ना फर्स्ट ईयर में बैठने दिया जा रहा है। तो विश्वविद्यालय प्रशासन जो बच्चों के दो दो साल बर्बाद कर रहा है। अरे शिक्षा हमारा